अरुणी द्वारा प्रवाहण का शिष्यत्व स्वीकार करना। गौतम ने कहा, आप जानते हैं वह तो मेरे पास है, मुझे स्वर्ण की प्राप्ति तथा गौ अश्व दासी परिवार और प्रधान की भी प्राप्ति है। आप महान अनंत और निसीम धन के दाता होकर मेरे लिए अदाता ना हो। राजा ने कहा, तो गौतम तुम शास्त्रोक्त विधि से उसे पाने की इच्छा मत करो। गौतम, अच्छा मैं आपके प्रति शिष्य भाव से प्राप्त होता हूं। पहले ब्राह्मण लोग वाणी से ही क्षत्रिय आदि के प्रति उपसन्न होते रहे हैं। इस प्रकार उपशक्ति का वाणी से कथन मात्र करके गौतम वहां रहने लगा, सेवा आदि के द्वारा नहीं। उस गौतम ने कहा, आप भी जानते हैं वह तो मेरे पास है ही। आप जिस मनुष्य संबंधी वर को मुझे देना चाहते हैं उसके मांगने से तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत सा स्वर्ण प्राप्त है तथा गौ अश्व आदि की भी प्राप्ति है, दासी परिवार और वस्त्र इन सबके मुझे भी प्राप्ति है। जो मेरे पास नहीं है वही मुझे आपसे मांगना चाहिए और वही आपको देना भी चाहिए। आपने वर देने की प्रतिज्ञा तो की ही है, अब यहां क्या करना उचित है ये आप ही जाने। आपको प्रतिज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए। मेरा तो यह अभिप्राय है कि आप सर्वत्र दाता होकर भी हमारे प्रति ही अर्थात केवल हमारे लिए ही अदाता ना हो, कृपण ना हो। बहु अर्थात बहुत सी, अनंतस्य अर्थात अनंत फल वाली, अपर्यंतस्य अर्थात समाप्त ना होने वाली अर्थात पुत्र पौत्र आदिकों में भी जाने वाली इस प्रकार की संपत्ति के दाता होकर भी आप केवल मेरे लिए ही अदाता ना हो, दूसरों के लिए तो आपको कुछ भी अदे नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने कहा, अच्छा तो हे गौतम, तुम तीर्थेन शास्त्र विहित विधि से मुझसे विद्या ग्रहण करने की इच्छा करो। ऐसा कहे जाने पर गौतम ने कहा, उपैमी, मैं शिष्य भाव से आपके प्रति उपसन्न होता हूं। विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाली पूर्ववर्ती ब्राह्मण लोग क्षत्रिय या वैश्यों के प्रति अथवा क्षत्रिय लोग वैश्यों के प्रति आपत्ति काल में केवल वाणी द्वारा ही शिष्य वृत्ति से उपसन्न होते थे। किसी प्रकार के भेंट देकर अथवा शुश्रूषा आदि के द्वारा उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते थे। अतः उस गौतम ने उपायन कित्या उपशक्ति के कथन मात्र से ही वहां निवास किया, वस्तुतः सेवा आदि के द्वारा उपगमन नहीं किया।